बिग बॉस के उस विनर का बर्थडे है जो हमारे बीच नहीं रहे। बताने वालों की इस हफ्ते किसने मचाया बवाल और किसने किया धमाल। अरे जॉय भाई ये जरूर ऐड कर लेना ट्विटर इंडिया की मोस्ट ट्वीटेड लिस्ट जो बिग बॉस कंटेस्टेंट की निकाली है। ये लो अरे भाई नंबर 1 सिद्धार्थ शुक्ला, नंबर 2 रुबीना दलाल, नंबर 3 शहनाज गिल, नंबर 4 राहुल, नंबर 5 जैस्मिन। अबे इस लिस्ट का क्या करूंगा मैं। अरे जॉय भाई इतनी बड़ी बात होगी यार, सिद्धार्थ शहनाज रुबीना सारा का सारा टॉप 5 में आ गया आपके फेवरेट। अरे मेरा मतलब वो तो खुशी की बात है ही, मगर इसमें नया क्या है इस लिस्ट के अंदर। मतलब ये तो होना ही था ना यार, सिद्धार्थ और शहनाज और रुबीना अपने फेवरेट का नाम तो आना ही था ना। अरे जॉय भाई क्या हो गया आपको यार, थोड़ा गौर से देखो गौर से लिस्ट को, किसका नाम नहीं आया उस पे ध्यान दो। अरे यार लिस्ट में नाम देखे जाते हैं यार, जिसका नाम नहीं आया उससे क्या लेना देना हमको। अरे जॉय भाई इस लिस्ट के अंदर वो नाम प्रेजेंट नहीं है जो नाम लेने से आपके चैनल पर व्यूज भी आते, कमेंट भी आते हैं और लाइक भी आते हैं। अबे मेरे व्यूज की चिंता तू मत कर, सीधे सीधे पॉइंट पर आ। मैं बात कर रहा हूँ हिमांशी खुराना, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ पंजाबी इंडस्ट्री। अरे यार खामखा का बदनाम कर रखा है यार तुमने हिमांशी को। देखो हिमांशी के फैन ना तो ट्विटर यूज करते हैं, ना ही गूगल और ना ही याहू। हिमांशी के फैंस यूज करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, 250 बंदों का ग्रुप बना सकते हो और उसके अंदर काम हो जाता है। ये चीज गलत है। गलत भाई कोई गलत वलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, चाहो तो हिमांशी से पूछवाया था तुमको। हिमांशी पता ही नहीं इन्हें क्या व्हाट्सएप ग्रुप ना है क्या तुम्हारा। लेट मी टेल यू, यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। देखा सुना तुमने हिमांशी की बात। वैसे हिमांशी ट्रू तो वो भी था जो सलमान भाई ने कल के एपिसोड में बोला था, सिम के फुटस्टेप्स पे जाना है, चीखना चिल्लाना पोकरना। आसिम बददिमाग था, तुमको आसिम ने कुछ बताया उन्हें। देखो उमर को क्या बोला किस बात के ऊपर बोला वो तो मैं नहीं जानता, मगर जो आसिम के लिए बात बोली गई है उस पर हम जरूर एक चीज कह सकते हैं, यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। अब देखो सलमान भाई के इस लाइव रोस्ट के ऊपर हिमांशी भड़क गई और भड़क कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालने के बजाय ट्विटर पर मैसेज डाल दिया और उसके बाद कमेंट सेक्शन के नीचे लोगों ने यही बोला है, साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। तो यार ये जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ ना, इस एपिसोड के बाद सारे फैन खुश हो गए। अब खुश होने के पीछे दो रीजन थे। रीजन नंबर 1 कि इस एपिसोड के अंदर सलमान भाई ने तहलका मचा दिया, मतलब फाड़ के रख दी। मतलब जो 2 साल से बंदे बोल रहे थे ना बिग बॉस 13 के बाद से ही कि वो सलमान जो बोलता रहता था ना कहां छुपा बैठा है, वो सलमान जो इतना बोलता था ना कहां छुपा हुआ है। आ रहा हूं बहनचोद, तुमको आसिम ने कुछ बताया उन्हें। सलमान भाई अपने बिग बॉस 13 वाले अवतार में आ गए और अवतार में आना तो बनता ही था ना यार, क्योंकि देखो जैसा मैंने बोला कि 2 रीजन थे, तो रीजन नंबर 2 एक्चुअल में रीजन नंबर 1 ही होना चाहिए कि इस एपिसोड को डेडिकेट किया गया था सिद्धार्थ भाई को, क्योंकि उनका कल था जन्मदिन। आज के एपिसोड आपके नाम द इररिप्लेसेबल सिद्धार्थ शुक्ला। यार कलर सोलो ने खुद ट्वीट करके बोल दिया वी आर ऑलवेज सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ भाई का बर्थडे था, हर फैन ने अपने अपने तरीके से बनाया। आई होप आप फ्लैश 24 फॉलो कर रहे हो, वहां पर सारी अपडेट दी गई थी। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि बर्थडे की, तो बर्थडे पर सबसे पहली चीज अगर मुझे कुछ याद आती है ना, तो वो लास्ट ईयर की वो एक छोटी सी वीडियो जो शहनाज ने पोस्ट की थी लगभग रात को 12:30-1 बजे के आसपास, वही वीडियो बस चुकी है। मुझे हरनाज 21 साल बाद इंडिया ने जीता भाई मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट, और जीता किसने है, मिस इंडिया यानी कि हरनाज संधू ने। तरफ जहां पर शहनाज पे सबको नाज था, अब हरनाज पे सबको नाज है भाई। नाज लोगों का चाहे, मैं तो कह रहा हूं भाई जिसकी किस्मत खराब चल रही है अपने नाम के पीछे नाज लगा लो तुम भी। कैसा लगा मेरा मजाक? अबे मजाक कर रहा हूं भाई, सही में अपने नाम के पीछे नाज मत लगा लेना। नाम से कुछ नहीं होता, मेहनत से होता है। मेहनत करोगे तो कैटरीना कैफ ही पट जाएगी तुमसे, देख लो विक्की कौशल ने करके दिखा दिया ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
अब देखो इसका मतलब ये मत निकालना कि सलमान भाई ने मेहनत नहीं करी। सलमान भाई ने भी जमकर मेहनत करी है और इतनी मेहनत करी कि उनकी शादी से ज्यादा चर्चे सलमान भाई के थे। इस पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा मीम्स अगर किसी के ऊपर बने हैं तो विक्की कौशल की शादी पर ही बने हैं, और वो बनाए किस पर गए हैं? सलमान भाई पर। कि मैं भी तुम्हारा पास्ट हूं। देखा, ये लड़की एक दिन मेरा पास्ट बनेगी। जब तुझे पता था। वैसे विक्की कौशल की शादी और सलमान भाई के मेम्स, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा एहसास दिला रहे हैं कि जो कल के एपिसोड में हुआ था वो सारा गुस्सा कहीं इसी शादी का तो नहीं था। तो यार विक्की कौशल, कैटरीना कैफ और सलमान भाई, इनके इतने चर्चे थे ना, मुझे लगता है कि विक्की कौशल अभी स्वागत मनाने के लिए रूम में एंटर भी नहीं हुआ होगा कि उससे पहले ही एक ज्योतिष जी ने दे दी भाई क्या कहते हो उसे, भविष्यवाणी देते हुए ये कहा कि 2026 में इनका तलाक हो जाएगा। मतलब यार भाई अभी स्वागत तो मना रहे, तो यार वैसे डाइवोर्स से मुझे आया है विशाल बिपोस 13 वाला, जो मधुरिमा के साथ डाइवोर्स ब्रेकअप हो गया था, उसने खतरों के खिलाड़ी में सना मकबूल को पट्टा लिया था। बट अभी मैं आपको एक अपडेट देता हूँ गाइस, यहाँ पर भी डाइवोर्स। अबे यार डाइवोर्स क्यों निकल रहा है, मतलब ब्रेकअप हो चुका, ब्रेकअप देख। ओह यू सी दिस गाय, नंबर वन बुलशिट गाय, ही डू द वी वू Because he have to go in front of the traffic. यार सना मकबूल अभी जितनी भी वीडियोस डाल रही है, जितनी भी रील डाल रही है, जहां भी जा रही है, विशाल कहीं नहीं दिख रहा। अब मैं इसको यही मान के चल रहा हूँ कि now she is single. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार ऐसे ही मजे मारते रहो और भाई की वीडियो देखते रहो, लाइक कमेंट शेयर तो करो ही करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, और फ्लैश 24 को जाकर भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने कहा था ना रैप नहीं आएगा। काश आंटी ने वीडियो बनाने से पहले उस आर्टिकल की लास्ट की दो लाइनें पढ़ ली होती तो इतनी आग नहीं उगलती। हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। तो यार मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और फ्लैश 24 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय।